और है, मेरी कोई मेंबरशिप नहीं है, तो मैं जो है रैंडमली जा रहा हूँ, देखते हैं कितना चार्ज वो लोग लेंगे। सो अब मैं जा रहा हूँ पूल के मजे लेने, पानी में डूबने। सो मैं आपको एक वॉक अराउंड कराऊंगा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। एक्चुअल में वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफी अच्छा है ईस्ट दिल्ली के अंदर। गाइस ये है गेट नंबर 2 यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, और ये स्विमिंग पूल है। यहाँ पे हम ट्रेनिंग भी अच्छी देते हैं और यहाँ सब सुविधा है कॉम्प्लेक्स की। भाई जो है एकदम प्रोफेशनल कोच है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो जानते होंगे भाई हरियाणा के लोग सारे कंप्यूटर होते हैं, सब जो है तैराक है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल बेरीवाल व्लॉग। सो आज का जो है ना एक रैंडम ये व्लॉग है, जो कि है बेस, मतलब जो कि मेरा टॉपिक है वो ये है कि स्विमिंग पूल कहाँ का, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जो कि ईस्ट दिल्ली में है अपना, ये कड़गड़ूमा के आसपास जो है विवेक विहार योजना विहार में पड़ता है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो मैं आज जो है करीब करीब मेरे ख्याल में गाइस 2015 की बात है, तब से लेकर अब तक 8 साल हो गए, 8 साल होने को है, 8 साल बाद मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने, वो भी आज वीकेंड है, शनिवार है, मेरी कोई मेंबरशिप नहीं है, तो मैं जो है रैंडमली जा रहा हूँ, देखते हैं कितना चार्ज वो लोग लेंगे। सो मेरे साथ जुड़ रहा है मेरा नेफ्यू जो मेरा भांजा है, इसका नाम है कनिष्क जिंदल, इसको बुलाता हूँ मैं प्यार से आड़ू, क्योंकि दिमाग इसका है तो बहुत इंटेलिजेंट, पर दिखता आड़ू है, ये देखो इसको ध्यान से दिख रहा है। सो आज ही मुझे बोला कि मामा मैं आपको डाइव करके दिखाऊंगा, मैंने कहा अच्छा डाइव करेगा, तो पूछो इससे डाइव करेगा आज, और डाइव कैसे करेगा, भाई नो क्या है आम बैंड पहनूंगा और डाइव करूंगा। गाइस मुझे तो पता ही नहीं डाइव होती कैसी है, मैंने आज तक की नहीं। सो मेरे साथ जुड़ रहे दीपक जिंदल जी, जो मेरे रिश्ते में जो है लगते हैं जीजू, और मैं उनका बदल लो। सो हमारी छोटी सी गाड़ी जो है ना बहुत प्यारी गाड़ी है, इग्निश मारुति की गाड़ी, कोई बात नहीं बट बेस्ट है। सो गाड़ी मेरे जीजू की है, जिनकी गाड़ी है बैठ के मैं व्लॉग बनाता हूँ, अपनी गाड़ी आगे चल के लूंगा गाइस। सो आज का मौसम थोड़ा सा ना, मतलब अभी पीछे तो बादल थे तो अच्छा लग रहा था, बट अभी जो है मुझे लग रहा है कि धूप दोबारा आ गई है, बट यार आज गाइस बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, एंड यू नो व्हाट, आज वीकेंड है, मेरा वर्किंग था तो 9 घंटे की मैंने ड्यूटी करी, सुबह 5 बजे से लेके 2:30 तक मैंने अपना काम किया ऑफिस का, और काम करने के बाद मैंने कुछ खाया भी नहीं पिया भी नहीं, और मैं जो है एडिटिंग में लग गया, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो गया आज का। सो अब मैं जा रहा हूँ पूल के मजे लेने, पानी में डूबने। सो मैं आपको एक वॉक अराउंड कराऊंगा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, एक्चुअल में वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफी अच्छा है ईस्ट दिल्ली के अंदर, ठीक है। सो वहाँ पहुंच के देखते हैं कि क्या स्थिति है, मेरी एंट्री अंदर होगी या नहीं होगी, अगर एंट्री हो गई तो मैं आपको वॉक अराउंड कराऊंगा, और आपको जो है साथ में स्विमिंग जो कोर्ट है हमारा वो दिखाऊंगा, क्योंकि स्विमिंग कोर्ट जो है ना गाइस मैं यहाँ पे गया हूँ ऑलरेडी, ठीक है, बहुत अमेजिंग है, ऊपर से पूरा कवर्ड है, 50 मीटर की उसकी लेंथ है, ठीक है, और आई गेस 5 फीट की उसकी हाइट है, 5 फीट मतलब डीप है वो, ठीक है। सो अभी यहाँ पर जो है व्लॉग मैं इसको यहीं पे जो है समाप्त कर रहा हूँ, और आगे जाके जो है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुँच के आपको पूरा कंटिन्यू कराऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वहाँ पर अभी क्या मेंबरशिप चल रही है, क्या फीस है, ठीक है, क्या स्लॉट टाइमिंग आपको मिल जाएंगे, तो हर चीज़ मैं आपको यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से, व्लॉग के माध्यम से बिल्कुल बताऊंगा, तो जुड़े रहे, और बाकी अपना व्लॉग वही देखो, मैं जहाँ पर नॉलेज देनी होगी नॉलेज दूंगा, जहाँ पर होगा फन वहाँ फन भी करूँगा, क्योंकि मैं हूँ बहुत फनी इंसान, ठीक है। ये है गेट नंबर 2 यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, अपन जा रहे हैं अंदर और गाड़ी करेंगे पार्क पार्किंग एरिया में। सो ये कुछ यहाँ की पार्किंग, देखो गार्ड बैठा है कोने में, स्मार्टी दिख रहा है वो चश्मा लगा रखा है। सो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं भाई, चले, एक्साइटेड है, यस, तेरे मामा आया स्विमिंग करने आज बहुत दिनों बाद। सो चलो निकलते हैं यहाँ से गाड़ी से। सो गाइस ये है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्विमिंग पूल, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप देख सकते हैं ये जो है अपना यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्विमिंग पूल है, ऊपर से पूरा कवर्ड है, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे जगदीश भाई, अपना नाम है जी जगदीश, हाँ जी, और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, और ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे हम ट्रेनिंग भी अच्छी देते हैं, और यहाँ सब सुविधा है, जितना हो सके उतने ज्यादा मेंबर आने की कोशिश जी। करो जी, तो साहब ये बताओ कि अड़े की जो है मतलब फीस क्या है, मतलब ट्रेनिंग देने की फीस क्या है, ये यहाँ पे है जी ट्रेनिंग देने की फीस है जी 1130 रुपये। अच्छा, और यहाँ की और अपनी लेंथ कितनी होगी यहाँ की, ये लेंथ है जी 50 मीटर, 50 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर, 25 मीटर, तो गाइस यहाँ पर जो है चौड़ाई 25 मीटर है, लेंथ जो है 50 मीटर है, और जो यहाँ की गहराई है डेप्थ है वो है 5 फुट के आसपास की है। सो भाई यहाँ पर हमारे जो है कोच है, भाई ने बता दी फीस अड़े कितनी है, 1130 रुपये यहाँ की फीस है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। भाई जो है एकदम प्रोफेशनल कोच है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो जानते होंगे भाई हरियाणा के लोग सारे कंप्यूटर होते हैं,
सब जो है तैराक है, नहर में कूद कूद के सबने ट्रेनिंग ले बढ़िया, और कोच केंडर में रहते हैं, छत्रसाल स्टेडियम वगैरह हो गए, सारे जानने वाले हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस किसी को भी अगर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आना हो, मेंबरशिप लेनी हो, तो जो है 1130 रुपये आपकी जो है चार्जेस हैं ट्रेनिंग के, बाकी मेंबरशिप चार्ज जो भी है, कुछ आइडिया कितना है मेंबरशिप कार्ड का? मेंबरशिप है जी 1170 रुपये मंथ के और पर डे के हैं 190 रुपये, और मेंबरशिप के बाद है 60 रुपये दिन के। 60 रुपये ट्रेनिंग लेनी हो तो 1130 रुपये। भाई का नाम जगजीत है, भाई अपने रहने के हैं, तो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ जुड़ रहे हैं दो मेरे भांजे छोटे छोटे, इन्होंने आज करी है स्विमिंग, और भाई बहुत बढ़िया डाइव मारी है तुम्हारे दोनों, कनिष जिंदल रुद्र जिंदल। बेटा कैसा लगा स्विमिंग करके? बहुत ही बढ़िया, मजा आया बहुत, है ना? सो इन्हें बहुत अच्छा लगा, आप कल आए हुए? कल आओगे? कल आएंगे, ठीक है, चलो आप बैठो गाड़ी में, चल बेटा। सो गाइज बच्चे जो है खाली वीकेंड अपना स्विमिंग करते हैं, बाकी ये है कि आज मैं 5-6 साल बाद 7 साल बाद करीब यहाँ स्विमिंग करने के लिए आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रस्ट मी, इवन मैं काफ़ी कन्विंस हो रहा हूँ कि मैं जो है साथ में स्विमिंग कर लूँ, बट अपना जो है लेट्स सी, देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, चलते हैं। स्विमिंग पूल में जो गाइस एक तो लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट अंदर जो है शायद कैमरे नहीं थे मैंने देखा आज, तो आप लोग वहाँ पर अपना आराम से लॉकर रूम में जो है अपने बैग रख सकते हैं, बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना जो है फ़ोन वगैरह आप लोग मत रखना, या तो आप अगर किसी कन्वेंस से आ रहे हैं गाड़ी वाड़ी से तो अपना फ़ोन वहीं छोड़ देना, वरना जो है स्विमिंग कोर्ट के पास आप जो है पिलर के पास अपना बैग रख सकते हैं, ताकि आपकी आंखों के आगे आपका बैग रहे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बट फिर भी एक मतलब वैसे सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर जो है शावर की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, मतलब और एक मेन बात जो है एक सबको मतलब ये होता है कि यार क्राउड कैसा आ रहा है ना, खासकर ईस्ट दिल्ली का क्राउड तो सब लोग जो है जानते हैं कैसा है, देखो अच्छा भी है और कुछ जगह बुरा भी है। सो मैं जो है किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहूँगा, बट ये है कि जो हमारा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का है ना क्राउड, वो एकदम औसम आता है, एकदम बढ़िया आता है, सारे जो है बिहारों के लोग आते हैं मोस्टली, सो मतलब भाई हर जगह के आते हैं, बट ये है कि अच्छा क्राउड है, आप लोग जो है बेफिक्र होके जो है किसी को, किसी के सिस्टर आए, मदर आए, मतलब फैमिली में कोई भी आए स्पेशली वुमेंस, तो फ्रीली होके अपना जो है यहाँ पे अपना स्विमिंग ज्वाइन कर सकती हैं और अपना कर सकती हैं। सो वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस, बने रहें व्लॉग के साथ और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल विशाल बेरीवाल व्लॉग्स, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और जो है भाई शेयर मार देना वीडियो। और आपको एक बात बोलना चाहूँगा भाई, अपने घर में हर बच्चे को, मतलब जो 7 साल से ऊपर के आपके घर में जितने भी चिल्ड्रन हैं भाई, सबको ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करो, उनकी फिटनेस काफ़ी अच्छी रहेगी, उनका माइंड काफ़ी जो है ब्रॉड होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अच्छी होती हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से, तो आप लोग जो है करवाएं अवश्य। तो मिलते हैं। We'll be right back.